हाय फ्रेंड्स, आई एम अनिंदिता एंड यू आर वाचिंग निटी ग्रिटी। लॉकडाउन सैलरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस फाइल हुए थे। सबको एक साथ क्लैप करके सुप्रीम कोर्ट ने पहले 27 अप्रैल को और बाद में आज यानी 15 मई फिर से सुनवाई किए हैं। 27 अप्रैल के सुनवाई के बारे में डिटेल्स आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। अगर थोड़ा सा इसके बारे में जिस्ट देखा जाए तो 29 मार्च मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने सर्कुलर में कहा था, ऑल फैक्ट्रीज, ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स या ऑल शॉप्स को अपने वर्करों को सैलरी देना पड़ेगा इस लॉकडाउन सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर्स अपने वर्कर्स को काम से नहीं निकाल सकते। लेकिन इस बारे में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये वर्कर कौन है। क्या ये सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स है या कैजुअल या कॉन्ट्रेक्चुअल है या एग्जीक्यूटिव कैटेगरी या मैनेजर या ये सभी लोग है। इस वर्कर के डेफिनेशन में ये क्लियर नहीं किया गया था। इसी सर्कुलर को कंटेंट करके काफी सारे कंपनीज ने, जैसे नागरिका एक्सपोर्ट, फिकसपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे। इन सबको मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को सुनवाई किए और अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता जी ने 2 हफ्ते समय की मांग किए थे डिटेल्स रिपोर्ट के लिए, जहाँ ये क्लियरली मेंशन होगा कि सैलरी किसको दिया जाएगा और कैसे, क्या मिनिमम वेज में दिया जाएगा, जहाँ ये क्लियरली मेंशन होगा कि सैलरी किसको दिया जाएगा और कैसे, क्या मिनिमम वेज में दिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं सरकार भी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में कटौती कर रहे हैं, तो इस हालत में प्राइवेट कंपनी को सैलरी पे करना चाहिए या एम्प्लॉयज को नौकरी से ना निकलना चाहिए, ये सवाल सबके मन में है। आज की सुनवाई में सरकार ने और 7 दिन की टाइम लिए है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 7 दिनों में कोई भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट नहीं किया जाएगा या पुलिस केस नहीं होगा सैलरी ना देने के लिए। लेकिन इसके बारे में लगता है कि ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई को क्या करना चाहिए इसका क्लैरिटी नहीं है। आज 15 मई है और 29 मार्च से 15 मई तक अराउंड 45 डेज के बाद भी कोई भी फैसला नहीं आया। सरकार इस बारे में कोई भी क्लियर पॉलिसी नहीं बनाया। वैसे तो 20 लाख करोड़ पैकेज की बात चल रहे हैं, लेकिन इस सैलरी के बारे में एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई को कोई भी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। तो आगे की सुनवाई के बाद जो भी फैसला होगा उसके बारे में वीडियो बना के आप तक ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की अपडेट मिलते रहें।